दोस्तों, आर्मी को हमेशा BTS का डिटेक्टिव कहा जाता है, लेकिन इस बार फिर से आर्मी ने BTS के मेंबर जंगकुक के इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ ऐसा शॉकिंग ढूंढ लिया है जिसके बाद दुनिया भर की आर्मी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों बहुत ही सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। इसके साथ साथ वहाँ पर आप BTS के रियल अकाउंट्स भी देख सकते हैं क्योंकि उनके बहुत ही सारे फेक अकाउंट्स बन चुके हैं। तो दोस्तों, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। दोस्तों, हम सभी इंस्टाग्राम काफ़ी समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि जब भी इंस्टाग्राम पर कोई भी इंसान अपना न्यू अकाउंट बनाता है तो हमेशा इंस्टाग्राम पे उसके अकाउंट में न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट लिख कर आता है। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि इंस्टाग्राम के अकाउंट के 30 दिन बनने तक, यानी अगर आज आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है तो आज से लेकर 30 दिन तक जो भी आपको DM करेगा उसको हमेशा आपकी ID के नीचे न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट लिखा हुआ दिखाई देगा। हालांकि दोस्तों, हमारी डिटेक्टिव आर्मी ने बहुत ही शॉकिंग बात नोटिस करी और वो ये है कि जैसे जैसे आप सभी मेंबर्स को DM करते हैं या फिर उनका मैसेज रिक्वेस्ट खोलते हैं या फिर उनके DM मैसेज करने के लिए खोलते हैं तो सभी मेंबर्स के अकाउंट में न्यू इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि BTS ने अभी ही अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो दोस्तों जैसे कि शुगा है या फिर जिन है या फिर वी है, जिमिन है, जे होप है या फिर RM है, दोस्तों सभी के मैसेजेस को अगर आप खोलेंगे तो आपको उनके पूरे डिस्क्रिप्शन के नीचे न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। हालांकि दोस्तों, सिर्फ जंगकुक ऐसे मेंबर हैं जिनके अकाउंट में ये बात नहीं लिखी हुई है। और दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सर्टिफाइड है कि अगर 30 दिन आपके अकाउंट को बने हुए नहीं हुए हैं तो आपके अकाउंट में न्यू इंस्टाग्राम लिख कर जरूर आएगा। तो दोस्तों, काफ़ी सारी आर्मीज़ का ये मानना है कि इस बात से पता चलता है कि जंगकुक का इंस्टाग्राम अकाउंट नया नहीं है, यानी जंगकुक बहुत पहले से इंस्टाग्राम अकाउंट को चला रहे हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ के वायरल होने के बाद काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद बहुत ही सारे पॉइंट्स ऐसे पता चले हैं जिससे प्रूव होता है कि जंगकुक का इंस्टाग्राम अकाउंट नया नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो उनका यूज़र नेम। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जंगकुक का यूज़र नेम इतना यूनिक है कि आज से पहले अगर किसी ने भी उन्हें सर्च करने की कभी कोशिश भी करी होगी तो किसी ने भी ये यूज़र नेम नहीं सोचा होगा। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, BTS के सभी मेंबर्स ने पहली बार अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और उन सभी के यूज़र नेम काफ़ी सिंपल हैं। सिर्फ RM का थोड़ा सा अलग है और वो हम मान सकते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश भी आती है, तो वो इंग्लिश से जोड़ के अपना यूज़र नेम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बाकी सभी मेंबर्स के यूज़र नेम या तो सिर्फ उनके नाम है या फिर शुगा ऑफ BTS या फिर जिन ऑफ BTS ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, जंगकुक के अकाउंट का नाम इतना क्रिएटिव है, जैसे लगता है कि वो काफ़ी समय से इसके बारे में सोच रहे हैं या फिर पहले ही उन्होंने इस अकाउंट को बना रखा है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है इंस्टाग्राम से, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं बहुत सारे यूज़र नेम तो अवेलेबल भी नहीं होते हैं और इतना क्रिएटिव यूज़र नेम तो पहली बार किसी ने देखा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर ये अकाउंट पहले से भी बना होगा तो शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि जंगकुक का ये यूज़र नेम होगा। दोस्तों, दूसरी बात ये कि BTS के सभी मेंबर इंस्टाग्राम पर नहीं हैं। जैसे ही उनके अकाउंट रिवील हुए थे, सभी के मेंबर्स में सिर्फ एक पोस्ट थी, सभी मेंबर्स के अकाउंट में सिर्फ एक पोस्ट थी। लेकिन दोस्तों, BTS के मेंबर जंगकुक सबसे पहले थे जिन्होंने अपने अकाउंट में पोस्ट करा था। दोस्तों, सभी मेंबर्स को इंस्टाग्राम के फीचर्स नहीं पता हैं और ऐसे में जंगकुक ने पोस्ट भी कर दिया। दोस्तों, इसके साथ साथ RM ने भी सबसे पहले पोस्ट करा था, लेकिन माना जा सकता है कि वो इंस्टाग्राम को जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया और काफ़ी सारी चीज़ों से वाकिफ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह बाकी मेंबर्स स्ट्रगल कर रहे हैं उस तरह जंगकुक ने एक बार भी नहीं कहा कि उन्हें इंस्टाग्राम मुश्किल लगता है। दोस्तों, दूसरी बात, जब जंगकुक ने अपनी दूसरी पोस्ट डाली तो उसको डिलीट करने के बाद बहुत ही आसानी से उन्होंने उसे स्टोरी में भी पोस्ट कर दिया, जबकि बाकी सभी मेंबर्स अभी तक स्टोरीज के फीचर को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि BTS के हर मेंबर ने बोला कि इंस्टाग्राम उन्हें काफ़ी मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, जैसे कि जिमिन ने व्यूवर्स पर आकर बोला कि इंस्टाग्राम काफ़ी मुश्किल है, वी ने तो ये तक बोला कि वो ट्यूटोरियल्स देखकर इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं, जे होप का भी कहना था कि इंस्टाग्राम काफ़ी मुश्किल है, वहीं शुगा ने भी कहा कि उन्हें इंस्टाग्राम बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जंगकुक के ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर मुश्किल होने की बात या फिर कोई भी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं बोली है। और दोस्तों, सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि उनके अकाउंट में न्यू इंस्टाग्राम नहीं लिख के आ रहा है, जिससे पता चलता है कि शायद जंगकुक इंस्टाग्राम को या तो लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं या फिर उन्होंने एक महीने पहले अपना अकाउंट बना रखा था। तो दोस्तों, आपका इन सभी बातों पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कर दें
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों किस बात का इंतज़ार है, तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिल सकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।